हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑस्कर डेटा सॉल्यूशन। आज की हमारी क्लास है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे आज, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपको पहले से ही ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको वेरिएबल्स को हम नॉर्मल जो हम प्रिमिटिव वेरिएबल्स उनको बोलते हैं, उनको क्रिएट कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है, एंड सेकेंडली फंक्शंस उनको डिफाइन कैसे करना है, कॉल कैसे करना है। अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी किसी को भी मे भी प्रॉब्लम है, फिर आप आगे कंटिन्यू ना करें, इन दोनों के बारे में जानकारी लें और फिर आगे चलें। सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको इन दोनों के बारे में क्लियरली पता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें कि ऑब्जेक्ट है क्या चीज़। हमारे आसपास जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक लैम्प का एग्ज़ाम्पल लें, तो लैम्प जो है, लैम्प क्या चीज़ है, लैम्प एक ऑब्जेक्ट है। और लैम्प जो है, इसकी दो चीज़ें हम देखेंगे, एक तो स्टेट और दूसरा बिहेवियर। स्टेट वो चीज़ है जो कि स्टोर करता है, दैट मीन्स हम अगर पूछें कि लैम्प क्या इस टाइम ऑन है या ऑफ है, तो उनका आंसर होगा यस या नो, कि वो ऑन है या ऑफ है। वो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि वो ऑन है या ऑफ है। लेकिन हमने उसके अंदर लैम्प का कोई बिहेवियर भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लैम्प के अंदर एक स्विच लगा रखा है जो कि स्विच को ऑन करें तो उसका जो स्टेट है वो बदल जाती है, दैट मीन्स वो उसका बिहेवियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लैम्प को के स्विच को ऑन करें या ऑफ करें तो वो ऑन या ऑफ हो जाता है, ये उसको हम बिहेवियर कहेंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बाइसिकल का, और बाइसिकल बेसिकली भी एक ऑब्जेक्ट है। इसका जो स्टेट्स हैं, अगर मैं पूछूं कि साइकिल कौन से गियर में है, तो आप बोलेंगे सपोज थर्ड गियर में है। उसके व्हील्स कितने हैं, उसके दो व्हील्स हैं, ठीक है। उसके नंबर ऑफ़ गियर्स कितने हैं, उसके नंबर ऑफ़ गियर्स फॉर एग्जांपल 18 हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, ये सिर्फ वैल्यूज़ हैं, आप समझ रहे हो, ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ उसका बिहेवियर है, मैं कहूँ ब्रेक लगा लो, मैं कहूँ एक्सलरेट कर दो, मैं कहूँ गियर चेंज कर दो, आप समझ रहे हो कि अगर मैं गियर चेंज करता हूँ, ये एक प्रोसेस है जिससे करंट गियर की वैल्यू चेंज हो जाती है, समझ रहे हैं। सो चेंजिंग गियर्स बेसिकली कुछ काम करता है, एक्सलरेटिंग कुछ काम करता है, ब्रेकिंग कुछ काम करता है। सो ये सब के सब जो हैं ये बिहेवियर्स हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेट और एक बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं। सो डॉग का बेसिकली स्टेट है उसका कलर, मे बी वाइट कलर है, उसका नेम, उसका नेम मिकी है फॉर एग्जांपल, उसकी ब्रीड जो भी मर्जी है। सो ये सब सिर्फ वैल्यू स्टोर करते हैं। और बिहेवियर वैगिंग द टेल, वो वैग कर रहा है, ये कुछ स्टोरेज नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो हो रहा है। सिमिलरली बार्किंग, कि वो भौंक रहा है, ईटिंग मतलब वो खा रहा है, दैट मीन्स ये तीनों काम जो हैं ये दीज आर डूइंग समथिंग, ठीक है। एंड जो हम स्टेट लेंगे, स्टेट इज बेसिकली स्टोरिंग समथिंग, ओके। इसका मतलब अगर स्टेट को देखें तो स्टेट क्या होती है, स्टेट वेरिएबल से डिटरमिन होती है, और वेरिएबल जो है वो स्टोर करते हैं, और बिहेवियर जो है वो डिटरमिन होती है फंक्शन से, और ये फंक्शन जो है वो कुछ करते हैं, दे डू समथिंग। आई होप वी आर वेरी क्लियर अबाउट द स्टेट एंड द बिहेवियर। तो स्टेट जो है वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि कुछ स्टोर करते हैं, और बिहेवियर जो है वो बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ काम करते हैं।
मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताता हूँ अभी इस टाइम, कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें हमें कुछ चीज़ें कुछ टर्म्स नज़र आती हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे क्लास और एक ऑब्जेक्ट। ये क्लास क्या चीज़ है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, पहले तो मैं डिफाइन करूँगा, लेकिन नेक्स्ट स्क्रीन में तुम्हें आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि वह है क्या चीज़। सबसे पहले एक क्लास क्या चीज़ है। अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, दैट मीन्स क्लास क्या चीज़ है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो जावा ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करता है, जावा क्लास को देखता है और ऑब्जेक्ट बनाता है। सो दैट मीन्स अगर आपके पास क्लास नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरी तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स वो वर्केबल एंटिटीज हैं जिनके अंदर स्टेट एंड बिहेवियर होता है। वो वर्केबल एंटिटीज हैं। वर्केबल एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, इनके साथ हम काम कर सकते हैं, एक क्लास के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँगा। जब आप एक प्रिमिटिव वेरिएबल क्रिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इंट एम करके एक वेरिएबल को क्रिएट किया, ये इंट क्या चीज़ है और ये एम क्या चीज़ है, आप बेसिकली इस लाइन में क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, आप जावा को बोल रहे हो कि आप एम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करो जो कि इंट टाइप का है। अब जावा एम नाम का वेरिएबल कैसे क्रिएट करेगा, वो देखेगा कि जो इंट डेटा टाइप है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि एम को 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी मिलेगा और उसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब इसमें देखा जाए तो एम नाम का वेरिएबल हम क्रिएट करवा रहे हैं। ये इंट किसने क्रिएट किया था, इंट जावा में इनबिल्ट है, सो जावा के अंदर ही बनाया गया है। हम भी जब ऑब्जेक्ट्स बनवाएंगे, ऑब्जेक्ट्स तो जावा ही बनाएगा, जैसे एम नाम का वेरिएबल भी जावा ने ही बनाया था, सो ऑब्जेक्ट जो है वो भी जावा ही क्रिएट करेगा, लेकिन उस क्लास को देखेगा जो क्लास हमने बनाई है, उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगा। आगे टर्मिनोलॉजीज आगे देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हम एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोलते हैं। जब भी हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, हम एक्चुअली एक क्लास करते हैं। सो दैट मीन्स व्हेन वी नीड टू क्रिएट एनी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, वी विल एक्चुअली क्रिएट अ क्लास। हम एक क्लास बनाएंगे और जावा जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा बाय लुकिंग एट दैट क्लास। वो क्लास को देखेगा और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। हम एक छोटे से एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि हमने एक प्लॉट खरीदा, आपने एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदने के बाद आप क्या करते हो, आप घर बनाना तो नहीं शुरू कर देते सीधे, आप क्या करते हो, आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, उसको अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हो, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि आपको कितने बेडरूम चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, सिटिंग रूम कितना बड़ा चाहिए, बालकनी कितनी चाहिए, कितने फ्लोर चाहिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ये सब कुछ बताने के बाद आप उससे एक ब्लूप्रिंट ले लेते हैं। ब्लूप्रिंट को हम लोग नक्शा भी बोलते हैं। हमने नक्शा ले लिया, फिर हम क्या करते हैं, उस नक्शे के ऊपर रह सकते हैं, नहीं रह सकते, बिकॉज वो नक्शा तो सिर्फ कागज़ का नक्शा बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये नक्शा है अगर आप देखें तो, इस नक्शे को हम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेसन्स हैं, प्लम्बर्स हैं, उनको उसकी कॉपीज पकड़ा देते हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेसन हैं, प्लम्बर्स हैं, ये लोग घर कैसे बनाते हैं, ये लोग नक्शे को देखते हैं, और घर को क्रिएट करते हैं। सो दैट मीन्स ये वाला घर जब क्रिएट किया गया, ये घर क्रिएट किया गया इस क्लास को यूज़ करके। सो दैट मीन्स इसमें अगर एक 3 बेडरूम्स हैं
तो इस घर में भी 3 बेडरूम्स होंगे, अगर इसमें 2 बाथरूम्स हैं तो इसमें भी 2 बाथरूम्स होंगे, इसमें जितने दरवाजे बनाए गए हैं उतने दरवाजे आपके घर में होंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो नक्शा था और ये आपका घर है। ये जो नक्शा है इसको हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी में क्लास कहा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप रह रहे हो इनको आप इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब देखा जाए, हमने पहली बात बताया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ हैं। ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये घर वो है जिसके अंदर हम रह सकते हैं, इसमें हम सो सकते हैं, इसमें हम खाना बना सकते हैं, इसको हम लॉक कर सकते हैं। लेकिन क्लास को क्या कर सकते हैं? क्लास से कुछ नहीं कर सकते, क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं बस। आई होप आप वी आर क्लियर अबाउट दिस। नंबर वन चीज़ तो क्लियर हो गई। नंबर 2, क्या हम एक क्लास से एक ही घर बना सकते हैं? क्या हम एक नक्शे से एक ही घर बना सकते हैं? नहीं, हम एक नक्शे से कई घर बना सकते हैं। मैंने ये घर भी बनाया उसी नक्शे से, ये घर भी बनाया उसी नक्शे से। क्या इन दोनों घरों में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही नक्शे से बने हैं, ये दोनों घर एक ही नक्शे से बने हैं। इसका मतलब जब हम सॉफ्टवेयर में एक क्लास बनाएं, क्या हम उस क्लास से सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं, उस क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, 1000 ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। क्या उन ऑब्जेक्ट्स में कोई डिफरेंस होगा? नहीं, उन सब वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल में हमें क्या पता चला? इस हम एग्जाम्पल में हमें पता चला कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लूप्रिंट बनाना घर का। अगर ब्लूप्रिंट नहीं है तो हमारा घर भी नहीं है। ये ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि हमारा घर कैसा होगा। क्या हम एक ब्लूप्रिंट से एक ही घर बना सकते हैं? नो, वी कैन क्रिएट एज मेनी एज वी वांट। एग्जांपल, एक हाउसिंग सोसाइटी जिसके अंदर कई ब्लॉक्स हैं, 18-20 ब्लॉक्स हैं, क्या हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट बना होगा? नहीं, बिकॉज सबके सब स्ट्रक्चर सेम है तो हम सिर्फ एक ही ब्लूप्रिंट बनवाते हैं और उसकी कॉपीज बांट देते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हुआ कि क्या जो घर बने हैं एक ब्लूप्रिंट से वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से? नहीं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट। जब हम इससे आगे चलने से पहले हम बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम समझ लें। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात करेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर्स बेसिकली जो हम पब्लिक पढ़ेंगे और प्राइवेट पढ़ेंगे। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का क्या मतलब हुआ? ये वो कंपोनेंट्स हैं क्लास के अंदर। आप समझ लें कि कंपोनेंट्स सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। कंपोनेंट्स या तो वेरिएबल्स होंगे या वो फंक्शंस होंगे, इजंट इट? सो वेरिएबल्स और फंक्शंस जो आपने क्लास के अंदर बनाए हैं, जो कि क्लास के अंदर बनाए हैं, उनको आप पब्लिक अगर डिक्लेयर करें तो इसका मतलब वो फंक्शंस और वेरिएबल्स हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, प्राइवेट, इन कंपोनेंट्स में अगेन वही दो चीज़ें, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ये वो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हैं जिनको हम एक्सेस ओनली फ्रॉम इनसाइड द क्लास कर सकते हैं। दैट मीन्स इनको बाहर से एक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो बाहर की दुनिया इन कंपोनेंट्स को नहीं देख सकती। तीसरी बात, इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो कि एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। बेसिकली जो मैं जिन वेरिएबल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, ये मैंने बोला था, तो ये जो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ ये वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा। और लास्ट इज लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स वो हैं जो कि एक मेथड या फंक्शन के अंदर बनाए गए हैं। सो वो क्लास को बिलोंग नहीं करते, वो एक्चुअली उस फंक्शन को ही बिलोंग करते हैं। ये भी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। सो कीप दैट दीज थिंग्स इन माइंड।
एक क्लास जो होती है जावा में, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस या मेथड्स। ओके, सो दे पहले पहले क्लियर किया जा चुका है। ये जो टर्म्स फंक्शंस एंड मेथड्स की बात करता हूँ मैं, सो दोनों टर्म्स वो आप यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस हो या मेथड हो, दोनों एक ही चीज़ है। उनका ना मतलब सिर्फ मतलब सेम है। नेक्स्ट, अब मैं एक आपको क्लास का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि क्लास कैसे दिखती है। क्लास जो है, अ क्लास इज डिफाइंड विद द कीवर्ड क्लास। सो दैट मीन्स आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लास कीवर्ड, और फिर क्लास का नाम देंगे। ओके, क्लास का नाम जो हमने दिया हुआ है, उसका अगर देखें तो डेमो नाम की क्लास है, और क्लास का नाम कैपिटल से शुरू हो रहा है। जो भी नेमिंग हम करेंगे जावा के अंदर, फॉर द टाइम बीइंग, आप जब भी क्लास को शुरू करेंगे तो क्लास को आप कैपिटल से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं दो चीज़ें और दिखा रहा हूँ। ये एक वेरिएबल है जो कि इंट वेरिएबल है, ये एक फंक्शन है जो कि वॉइड फंक्शन है। आप ध्यान दीजिए, वार का वी स्मॉल है, फंक्शन का एफ स्मॉल है, लेकिन क्लास का टी कैपिटल है, ये याद रखिएगा। ओके, एक क्लास का ओपनिंग ब्रेस से शुरू होता है और क्लोजिंग ब्रेस तक जाता है। सो दैट मीन्स ये हमारी क्लास यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है। नाउ इस क्लास के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक वेरिएबल है जिसका नाम वार वन है, और एक फंक्शन है जिसका नाम फंक्शन वन है। सो बेसिकली क्लास के कंपोनेंट्स अगर मैं बोलूँ तो वो वार वन नाम का वेरिएबल और फंक्शन वन नाम का फंक्शन। वार टू क्लास को बिलोंग नहीं करता, वार टू एक्चुअली फंक्शन वन को बिलोंग करता है, तो हम उसको कहीं भी इस लिस्टिंग में नहीं डालेंगे। सो वार वन वार टू जो है वो किसी भी लिस्टिंग में नहीं आता क्लास के हिसाब से, ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। सो अगर पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट में क्या कुछ होगा, उस ऑब्जेक्ट में बेसिकली वार वन नाम का एक वेरिएबल होगा और एक फंक्शन वन नाम का फंक्शन होगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ इसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी। सबसे पहले तो जो हमने डेमो नाम की क्लास बनाई, आप देखो कि यहाँ पे दो क्लासेस बनी हुई हैं, एक तो डेमो नाम की क्लास बनी है और एक डेमो मेन नाम की क्लास बनी है। ध्यान रखिएगा, ये दो पार्ट्स में है। ये वाली जो क्लास ऊपर बनी हुई है, ये क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और दूसरी क्लास में हम मेन फंक्शन बना रहे हैं जो कि एक्चुअली उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा है। ओके, चलिए सबसे पहले तो डेमो क्लास को हम देखें। तो डेमो क्लास के अंदर बेसिकली देखा जाए तो डेमो क्लास के अंदर नम नाम का वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल है, सेट नाम का एक फंक्शन है, शो नाम का एक फंक्शन है। सो बेसिकली डेमो क्लास के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, एक वेरिएबल है और दो फंक्शंस हैं। ये इंट एन नाम का वेरिएबल किसी खाते में नहीं आता। ओके, हम एक एक करके दोनों को देखें, बेसिकली हो क्या, तीनों को देखें। नम जो है वो प्राइवेट वेरिएबल है। प्राइवेट वेरिएबल होने का मतलब क्या हुआ, ये नम नाम का वेरिएबल क्लास से बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स डेमो मेन फंक्शन में जो भी कोई फंक्शन बनाऊंगा वो सीधे ही नम को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, इसका मैं थोड़ा सा बेनिफिट्स क्या है थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन अगर आप देखो तो इसके अंदर दोनों जो फंक्शंस बने हैं वो दोनों पब्लिक फंक्शंस हैं। शो भी पब्लिक फंक्शन है और सेट भी पब्लिक फंक्शन है। ओके, दोनों फंक्शंस को एक एक करके देखते हैं। सेट फंक्शन हमने ऐसा बनाया जिसके अंदर एक आर्गुमेंट पास की गई है, तो जो भी वैल्यू मैं एन को पास करूंगा वो ही वैल्यू नम को पास कर देगा। ये नम क्या है, ये नम ये वाला नम है, ठीक है। ओके, शो फंक्शन क्या करता है, शो फंक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम इज इक्वल टू नम। ये जो नम दिखा रहा है कौन सा नम दिखा रहा है, ये वही नम दिखा रहा है जो आपने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था। ओके, आपने इसमें खास बात क्या देखी, क्या नम को मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ डेमो मेन से, नहीं, बिकॉज वो प्राइवेट है।
क्या मैं num को set function या show function के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ? यस, क्योंकि मैंने कहा था प्राइवेट जो हैं वो क्लास के अंदर से ज़रूर एक्सेस हो सकते हैं। इसका मतलब num को मैं एक्सेस करने के लिए set function में num के अंदर वैल्यू डाल दी, मैं एक्सेस कर रहा हूँ, और show में मैंने उसको दिखा दिया, मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली ये हमारा क्लास है। ओके, अब हम आ जाते हैं डेमो मेन में। डेमो मेन में हमने एक मेन फंक्शन बनाया। अब देखिए मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर हेडर ऐसा ही होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्स ब्रैकेट ओपन क्लोज्ड, दैट्स इट। ये स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, डेमो मेन के मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाले, ये लाइन जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम है ए, ए नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आगे पढ़ने की अभी हमें इतना ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ए नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, हम यहाँ पे कहेंगे कि ये ए नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब ए नाम का ऑब्जेक्ट बना तो ए नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर नम नाम का वेरिएबल होगा, जो ये वाला हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था। सिमिलरली सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो सेकेंड लाइन में आपका बी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। चलिए यहाँ पर हम बी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और बी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरली एक ही क्लास से दोनों ऑब्जेक्ट्स बने हैं। अगर ए के अंदर नम नाम का वेरिएबल है तो बी के अंदर भी नम नाम का वेरिएबल है। ओके, क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा? नहीं, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होगा, बिकॉज दोनों एक ही क्लास से बने हैं। तीसरा, मैंने कमांड दी है ए डॉट सेट 10। यहाँ पर इस चीज़ की आदत डाल दें कि जितने भी फंक्शंस क्लास के होते हैं उनको इन्वोक करने के लिए, उनको रन करने के लिए, उनको कॉल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमने कॉल तो करना है सेट फंक्शन, उसको वैल्यू पास करनी है 10, लेकिन इस सेट फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, उसको इन्वोक कौन कर रहा है? उसको इन्वोक ए कर रहा है। इसको हम बोलते हैं इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखें 10 की वैल्यू पास किसको हुई? n को। n की वैल्यू 10 हो गई, उसी 10 की वैल्यू हम नम में पास कर देते हैं। कौन से नम में पास होगा? हम नम तो यहाँ पे दो हैं, एक नम ये है और एक नम ये है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कौन से नम में मैंने वैल्यू पास करनी है? उसको पता चलेगा कि इन्वोक किसने किया था उसको। सो अगर इन्वोक ए ने किया था तो ए के नम की वैल्यू 10 हो जाएगी। सेकेंडली, अगर मैंने बी डॉट सेट 15 लिखा है तो फंक्शन तो सेट ही कॉल हुआ है, 15 की वैल्यू एन को पास हो गई, 15 की वैल्यू नम को पास हो गई। कौन से नम की? क्योंकि इस सेट फंक्शन को बी ने इन्वोक किया था, सो बी के नम की वैल्यू 15 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ए डॉट शो। चलिए शो फंक्शन को कॉल करते हैं। शो फंक्शन कहता है नम इज इक्वल टू नम। अभी कौन से नम की वैल्यू डिस्प्ले करेगा? अगेन मुझे तो दो दो नम दिख रहे हैं, वो किसकी करेगा? ए वाले नम की वैल्यू शो करेगा, जिसकी वैल्यू है 10। सो वो डिस्प्ले करेगा नम इज इक्वल टू 10। एंड लास्टली हमने लिखा बी डॉट शो फंक्शन, तो शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बी एग्जीक्यूट करेगा। नेचुरली जो नम डिस्प्ले किया जाएगा वो बी का होगा और वो है 15। तो ये डिस्प्ले क्या करेगा? नम इज इक्वल टू 15। नाउ यहाँ पर आपको क्या चीज़ें पता चली? आपको ये पता चली एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं सेम क्लास के। ये हमने क्लास का नाम दिया और ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये हमने नाम दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डेमो क्लास जो अभी आपने देखी, डेमो क्लास के अंदर बेसिकली तीन कंपोनेंट्स आपको नज़र आए, एक नम नाम का वेरिएबल जो कि प्राइवेट वेरिएबल है, एक सेट फंक्शन जो कि पब्लिक फंक्शन है, और शो फंक्शन जो कि पब्लिक फंक्शन। जब एक व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो इज क्रिएटेड इट विल हैव अ वेरिएबल कॉल्ड नम। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा। ऑल्दो द क्लास ऑल्सो हैज़ अ वेरिएबल कॉल्ड एन,
जो सेट फंक्शन ने बनाया है, इट इज़ अ लोकल वेरिएबल एंड इट इज़ अवेलेबल ओनली टू द सेट फंक्शन। दैट मीन्स जो भी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था, उस प्रोग्राम में n जो है वो सिर्फ सेट फंक्शन को ही अवेलेबल है, वो क्लास को अवेलेबल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट को अवेलेबल नहीं है। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास? अब ओनली द पब्लिक कंपोनेंट्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी कि डेमो मेन क्लास जो हमने बनाई थी दूसरी वाली, उसके अंदर देखा जाए डेमो मेन में आप सिर्फ सेट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और शो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, अगर हम एक बैंक का एग्जांपल लें, तो बैंक के एग्जांपल में वेरिएबल्स एंड फंक्शंस क्या हैं बैंक के अंदर? वो भी ऑब्जेक्ट है, एक बैंक भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अब एक बैंक में देखा जाए तो जो वेरिएबल्स हैं वो वॉल्ट हैं, जहाँ पे कैश स्टोर किया जाता है। वो सिर्फ स्टोर करता है कैश को, वो कुछ करता नहीं है, वॉल्ट कुछ नहीं करेगा, वॉल्ट के अंदर सिर्फ स्टोर किया जाएगा। और फंक्शंस कौन हैं? जो बैंक ऑफिशियल्स हैं उनको हम फंक्शंस बोलेंगे, बिकॉज वो कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग। अगेन, बैंक के अंदर दो चीज़ हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। एंड अगर देखा जाए तो बैंक के अंदर जो वॉल्ट होती है वो प्राइवेट है, इट इज़ नॉट ओपन टू कस्टमर्स, ओनली द ऑफिशियल्स इन द बैंक कैन एक्सेस द वॉल्ट। ध्यान रखिए, वॉल्ट को पब्लिक बनाना बहुत खतरनाक चीज़ है, नहीं? दैट मीन्स आप वॉल्ट को, सेफ को पब्लिक के अंदर के लिए खोल के नहीं रख देंगे, समझ रहे हैं? सो वॉल्ट को हम प्राइवेट रखते हैं, बिकॉज वो दुनिया को एक्सेसिबल नहीं है। और किसको एक्सेसिबल है? वो बैंक ऑफिशियल को एक्सेसिबल है। अगर आपने पैसे डलवाने हैं बैंक में या बैंक से पैसे निकलवाने हैं, तो आप खुद जाकर वॉल्ट में से पैसे ना निकाल सकते हैं ना वहाँ पे डाल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, आपको किसी बैंक ऑफिशियल को बोलना पड़ेगा, वही वॉल्ट में से पैसे डालेगा या वॉल्ट में से पैसे निकालेगा। सो जो पीपल जो हैं, दे कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द वॉल्ट, सो दे सेंड रिक्वेस्ट टू द बैंक ऑफिशियल्स एज दे आर पब्लिक। ओके, नाउ आई होप दिस क्लास मेक्स थिंग्स क्लियर कि आप एक क्लासेस क्या होती हैं, पहली बात, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली क्लासेस में वेरिएबल्स एंड फंक्शंस होते हैं। हमें ये पता चला कि पब्लिक एंड प्राइवेट क्या चीज़ होती है, हमें ये पता चला कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमें ये पता चला कि फंक्शंस क्या होते हैं, हमें ये भी पता चला कि हम एक क्लास में से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, हमें पता चला कि इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें ये पता चला कि जो वेरिएबल्स हैं एक क्लास के अंदर, जो इंस्टेंस वेरिएबल जिनको बोलते हैं, उनको हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए ताकि बाहर की दुनिया उनको एक्सेस ना कर पाए और उसके साथ छेड़खानी ना कर सके। अगर उस वेरिएबल में हमने कुछ भी डालना है तो हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, वो फंक्शन उस वेरिएबल में वैल्यू डालेगा। थैंक यू, आई होप यू हैड अ नाइस डे, आई एंजॉय टीचिंग, आई होप यू ऑल्सो एंजॉय लर्निंग। थैंक यू सो मच।